हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कोचीवली तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से केरला के कोचीवली स्टेशन तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का नंबर है 12201 और ये हफ्ते में दो दिन चलती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर मंडे और फ्राइडे को ये रवाना होती है और ये गरीब रथ टाइप की ट्रेन है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कोचीवली की जो दूरी है ये 28 घंटे में कवर करती है और इसके तकरीबन 25 स्टेशन है और टोटल जो ये स्टेशन कवर करती है मुंबई से कोचीवली तक का वो है 1503 किलोमीटर का और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। इसे साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये हर मंडे और फ्राइडे यानी कि सोमवार और शुक्रवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कोचीवली के लिए चलती है। अगर हम बात करें गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचेस के बारे में तो इसमें ICF के कोचेस दिए गए हैं और इसमें दो तरह के कोचेस हैं, एक थर्ड AC के कोच और एक ACGR कार के कोच। अगर मैं इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करूं तो जो मैं आपको अभी किराया बताऊंगा ये मुंबई से कोचीवली तक का बताऊंगा। थर्ड AC का जो किराया है वो है 1190 रुपये। इसके अलावा इसमें चेयर कार के कोच भी हैं जिसका किराया जो है 1050 रुपये है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पर जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कोचीवली तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से शाम के 4:55 पे हर सोमवार और शुक्रवार को रवाना होती है और इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो है 1503 किलोमीटर का। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये शाम के 4:55 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद जो दूसरा स्टेशन है वो है थाने। यहाँ पर ये ट्रेन जो है शाम के 5:17 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पनवेल जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:05 पे और 6:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रत्नागिरी स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:00 और 11:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सवंतवाड़ी रोड स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है 12:58 पे रात को पहुंचती है और 1:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये गोवा में एंटर करती है। गोवा का जो पहला स्टेशन है वो है करमाली। करमाली में ये 1:38 पे रात को पहुंचती है और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मडगांव जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:15 पे और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नाटक के करवर स्टेशन में पहुंचती है 3:22 पे सुबह और 3:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अनकोला स्टेशन में पहुंचती है 3:52 पे रात को और 3:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 652 किलोमीटर की यात्रा जो है मुंबई से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिजूर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:22 पे और 5:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये गरीब रथ एक्सप्रेस जो है उडुपी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:20 पे और 6:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मैंगलुरु जंक्शन में पहुंचती है। मैंगलुरु जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह के 8:00 पहुंचती है और 8:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कसरगोड स्टेशन केरला में पहुंचती है 8:53 पे सुबह और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कन्नूर मेन स्टेशन में पहुंचती है। कन्नूर मेन स्टेशन में ये ट्रेन जो है 10:12 पे पहुंचती है सुबह और 10:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोझिकोड़े मेन स्टेशन में पहुंचती है 11:32 पे सुबह और 11:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है थिरूर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 12:08 पे और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शोरनानूर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:10 पे और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है थ्रिशूर स्टेशन में पहुंचती है 1:57 पे दोपहर को और 2:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुंबई कोचीवली गरीब रथ एक्सप्रेस जो है अर्नाकुलम टाउन में पहुंचती है। अर्नाकुलम टाउन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:20 पे पहुंचती है और 3:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कोट्टायम स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:32 पे और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है थिरुवल्ला स्टेशन में पहुंचती है
शाम के 5:09 पे और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये गरीब रथ एक्सप्रेस जो है शेगना नूर स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:18 पे और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कायम कोलम जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:58 पे और 2 मिनट बाद 6 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुंबई कोचीवली गरीब रथ एक्सप्रेस जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन कोलम जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:05 पे और 7:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुंबई कोचीवली गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कोचीवली स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है रात के 8:55 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1503 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।